नमस्कार दोस्तों, सेल शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.7% के क्लियर आपको तेजी देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ देखेंगे स्टॉक में एक बुलिश कैंडल नजर आ रहा है। पिछले चार दिन से देखेंगे स्टॉक में लगातार यहां पर एक तेजी का मोमेंट भी बना हुआ है। अब सवाल आ रहे हैं क्या स्टॉक में और भी तेजी आएगा या गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे आएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो यहाँ पर सेल शेयर जैसे कि आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर एग्जैक्टली एक हाई रहे का कंडीशन बना के ऊपर बढ़ रहा था, और ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगा था 151 रुपये को, उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक हाई लगा यहाँ पे 175 रुपये में। तो सपोर्ट लेवल आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है 122 रुपये 50 पैसे के पास में। अगर इसको ब्रेकडाउन करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको 104 रुपये 40 पैसे के पास में दिखाई दे रहा है। राइट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और अगर क्लैरिटी से आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से एक ऑप्ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, और अभी जो है स्टॉक अपने ट्रेलाइन को टच नहीं किया, बस सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लाइन को सपोर्ट लेके इस तरीके से एक मोमेंट बनाया है ऊपर की साइड में। तो थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर। जब डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को हम नोटिस कर रहे हैं तो देख सकते हो स्टॉक आपको यहाँ पर एग्जैक्ट लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, बार बार अपना ट्रेलाइन को रेजिस्टेंस बनाया कर। तो जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा डेफिनेटली स्टॉक में तेजी का मूवमेंट बनेगा। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लाइन आपको 139 का दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट 151 का, और उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक ने 158 रुपये का लेवल हिट किया। राइट दोस्तों यहाँ पर सभी कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन कर लिया। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। इस वीडियो को लाइक करें। सो धन्यवाद दोस्तों।